मुझ पर भरोसा कीजिए, कुछ नहीं होगा। नहीं सर, आप झूठ बोल रही है। जैसे ही अगली सुनवाई होगी अदालत में, युवराज को फांसी की सजा दे दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना, मैंने युवराज के खिलाफ अपना मुकदमा वापस ले लिया है। मेरे कमरे यही रहेगा हमारे घर पर। उस पर लगाए सारे आरोप हट गए। कुछ नहीं होगा युवराज को, कुछ नहीं होगा। आपने क्या किया मां? मैंने जो किया है वो ठीक किया है सरस्वती। ये ठीक किया आपने? आपने हमारे बापूजी के कातिल को कोर्ट से रिहा कर दिया, ये ठीक किया है? ये कदम मैंने आज नहीं उठाया है। मैंने युवराज का केस तभी वापस लिया था जिस दिन कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा किया था। ये तो युवराज गरोड़े को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया, लेकिन फिर भी अगर आप चाहती हैं कि वो इस मर्डर केस से बाइज्जत बरी हो जाए तो आपको कुछ पेपर्स पर साइन करने होंगे। इन पेपर्स पर सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि आप सूर्यकांत गरोड़िया की पत्नी होने के नाते आपने जो युवराज गरोड़िया के ऊपर केस दायर किया था उसे आप वापस लेना चाहती हैं। जी मंजूर है मुझे। यहाँ आप सिग्नेचर्स कर लीजिए। ये आपने ठीक नहीं किया बा, कैसे भूल गई बापूजी की मौत को? अब भूल गई कि अगर युवराज ने घिनौनी हरकत नहीं की होती तो आज हमारे बापूजी हमारे साथ होते। कुछ नहीं भूली हूँ मैं सरस्वती, कुछ भी नहीं। ना तुम्हारे बापूजी को और ना ही उनकी मौत को। साथ साथ मेरा वो वादा भी याद है मुझे जो मैंने तुम्हारे बापूजी को तब किया था जब मेरी कबेन पहली बार इस घर में आई थी। चाहे कुछ भी हो जाए मैं मेनका बहन की खुशियों के बीच कभी नहीं आऊंगी। इस घर को संभालने का वादा भी किया था मैंने उनसे, ये वादा कैसे भूल सकती हूँ मैं सरस्वती। सरस्वती तुम्हारे सहारे के लिए क्षितिज है, मेरा सहारा तो मेरी बेटियां है ना, लेकिन मेनका बहन का क्या? अगर युवराज को कुछ हो गया तो वो नहीं जी पाएगी। एक माँ से अपना बेटा नहीं छीन सकती ना मैं। अपनी औलाद से जुदा होने की तकलीफ समझ सकती हूँ मैं। मैंने जो भी किया है वो एक माँ के लिए किया है। सावित्री, इस बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं जानती थी माँ, जब ये बात सबके सामने आएगी तो कोई युवराज को इस घर में स्वीकार नहीं करेगा। तो आज भी ये बात उतनी ही सच है, आज भी इस घर में युवराज को कोई स्वीकार नहीं करेगा। ये जानते हुए भी कि अपने किए पर शर्मिंदा है। शर्मिंदा? उसके शर्मिंदा होने से क्या होता है? उसके शर्मिंदा होने से मेरे बापूजी इस घर में वापस आ जाएंगे क्या? उसके शर्मिंदा होने से वो बेबसी भरी जिंदगी जो हमने उस पवित्रा की वजह से इस घर में गुजारी है वो बदल जाएगी क्या? उसके कितने गुना गिनाऊं मैं आपको माँ, कितने गुना? तो भाई है ना हमारा, वो गौरी का रिश्ता तोड़ने चला था, हम सबको आकाश के खिलाफ भड़का रहा था। उसके शर्मिंदा होने से ये सब कुछ बदल जाएगा? ये सब कुछ
नहीं बदलेगा सरस्वती, क्योंकि ये बीता हुआ कल है। लेकिन बीते हुए कल की वजह से आने वाला कल बिगाड़ नहीं ना सकते हम। युवराज ने बीते हुए कल में जो गलतियां की है उसके लिए वो प्रायश्चित। कैसा प्रायश्चित था? कैसा प्रायश्चित? जो उसने किया उसकी तो वो सजा भी नहीं भुगत रहा, क्योंकि मैंने उसे रिहा करवाया, क्योंकि वो अपने किए का पश्चाताप करना चाहता था। उसका पश्चाताप मेरे बापूजी की जिंदगी से बड़ा नहीं है। युवराज कल भी गुनहगार था, आज भी है और हमेशा रहेगा। हमारे बापूजी के कातिल को रिहा करवा के आपने ठीक नहीं किया, आपने हमें इस घर को बहुत खुशियां दी है, लेकिन ये दर्द जो दिया है ना वो उन सारी खुशियों से कहीं बढ़कर है माँ। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती थी कि मैंने वही किया है जो मुझे ठीक लगा। भगवान न करे मेरा फैसला गलत हो जाए। वाह, तुम्हारा लहंगा तो बहुत खूबसूरत है। अच्छा ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। तुम्हारी मनपसंद खीर अपने हाथों से बनाकर लाई हूँ, लो खा लो। नहीं चाची, हमें भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है और स्कूल में भी तुमने कुछ नहीं खाया। डब्बा भरा का भरा घर वापस लेकर आई हूँ, अब चलो खा लो। चाची हमें बिल्कुल भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें बिल्कुल भी भूख नहीं है तो हम इसे रख देते हैं, बाद में खाएंगे। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, तुम्हारी मनपसंद रंग बिरंगी चूड़िया। देखो इसमें सभी रंग है, नीला, पीला, हरा, गुलाबी। तुम्हें पसंद है ना? तुमने कहा था कि तुम्हें पसंद है इसलिए मैं लेकर आई हूँ। लो ले लो। चलो अब इसे जल्दी से खा लो और चाची की रानी बिटिया बन जाओ। ये लो भावना, भावना तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। भाभी भाभी जल्दी आइए, भावना को बहुत तेज बुखार है। हम जानते हैं कि हमारी बिटिया की खुशियां किसमें है, अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका ये हालत क्यों है, पर हम इतने बेबस और लाचार हैं। एक माँ होकर भी अपनी बिटिया को उसके हिस्से की खुशी नहीं दे सकते। नहीं बुलंद, हम दुश्मन नहीं है अपनी बिटिया की। हमारा भी मन करता है कि हमारी बिटिया समारोह में हिस्सा ले, पर हम इतने कमजोर हैं कि अपनी बिटिया की खुशियों के लिए हम किसी से नहीं लड़ सकते। अरे लड़ना तो दूर, हम तो किसी के सामने दो बोल भी नहीं बोल सकते। धिक्कार है हमारी ममता पर, हम
अपनी बिटिया की तकलीफ में भी उसका साथ नहीं दे सकते। बस भाभी बस, मत कोसी अपने आप को। भावना को अपने हिस्से की खुशियां जरूर मिलेगी। वो समारोह में हिस्सा जरूर लेगी जी, मेरा वादा है आपसे। जी तुम क्या कह रही हो? भाभी, अगर हम भावना की इच्छा को बचपन में ही दबा देंगे तो उसका परिणाम क्या होगा आप जानती हैं? बेचारी शायद डर के मारे सपने ही देखना बंद कर दे। वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेगी भाभी। लेकिन नहीं दुल्हन, पिताजी को नाच गाने से बहुत नफरत है। फिर चाहे उसमें आपदा की खुशियां क्यों ना शामिल हो, इसीलिए इन सब बातों को सोचने का कोनो फायदा नहीं। हम अपनी बिटिया की तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन पिताजी को गुस्सा ये सब बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं हम। भाभी आपको नहीं लगता कि पिताजी गलत कर रहे हैं? हमें भावना को उसका वो हक देना चाहिए, उसे वो सारी खुशियां देनी चाहिए जो उसे चाहिए। नहीं दुल्हन, ये सारी बातें ना शहर में अच्छी लागी, ये घर में तो वही हुई जो पिताजी चाहे। तो ठीक है, चलिए हम दोनों चलकर पिताजी से बात करेंगे। ना ना नहीं दुल्हन, गला काट दे। मगर हाँ ना बोले वो, हम हमारी बिटिया को सब समझाई देंगे। चलिए भाभी, चलिए मेरे साथ। कहाँ? वही जहां आपकी बातों का फैसला होगा। चलिए भाभी। नहीं दुल्हन, नहीं दुल्हन, नहीं दुल्हन, हमारे पास नहीं दुल्हन। मुझे अभी तक यकीन नहीं होता नहीं आती कि माँ ने ये फैसला कैसे ले लिया नहीं आती, और वो भी हम में से किसी को बिना बताए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि माँ सिर्फ छोटी मोरी युवराज से प्यार करती है। हम क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, इस बात की कोई अहमियत नहीं। अहमियत है सरस्वती, मैं जानती हूं मेरे इस फैसले की वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ पहुंची, लेकिन मजबूर थी मैं, माफ करना। हाथ जोड़ती हूं मैं तुम्हारे आगे। माँ प्लीज मेरे सामने हाथ मत जोड़ी, इन हाथों ने मुझे चलना सिखाया है। मेरी हर गलती पे इन्हीं हाथों ने मेरे कान खींचे, लेकिन लेकिन माँ ये भी सच है कि मैं आपसे बहुत नाराज हूं, लेकिन मेरी नाराजगी आपसे या आपके सम्मान से बड़ी नहीं है, इसलिए प्लीज मेरे सामने हाथ मत जोड़ी।
मेनका बहन की ममता की वजह से हार गई थी मैं, कुछ नहीं कर पाई, इसलिए मैंने ये फैसला लिया। एक बार मेरी नजरिए से देखो, मुझे पूरा यकीन, जब तुम मेरी जगह रहकर देखोगे ना तो शायद तुम्हें यह फैसला गलत नहीं लगेगा। भाभी हमारे कुल देवता है, आप इनके सामने अपनी भावनाएं नहीं छुपा सकती। भाभी भगवान को देखकर कहो कि आपको भावना की खुशियों से कोई मतलब नहीं, कहो कि इस घर में सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए सिर्फ पिताजी के उसूल और उनकी परंपराएं हैं, कहो कि आपको आपकी बच्ची की तकलीफ और उसका दर्द कोई मायने नहीं रखता। एक बच्ची अपने माँ से ही हर चीज की आस लगाती है, हर सुख दुख अपने माँ से ही बांटती है, भावना भी आस लगाई बैठी है, तो फिर एक माँ होकर आप उसकी आस कैसे ठुकरा सकती है भाभी? आपने उसकी हालत देखी है भाभी, बुखार से तप रही है वो, और ये बात आपको भी पता है कि आपकी एक हाउस बच्ची के चेहरे में ढेर सारी खुशियां ले आएगी। क्यों रोक रही है आप अपने आप को? हाँ कह दीजिए भाभी, एक बार हाँ कह दीजिए, हाँ कह दीजिए ना भाभी, हाँ कह दीजिए। कैसे कैसे हाँ कह दे नहीं दुल्हन, कैसे हाँ कह दे हम? एक माँ होने से पहले बहू है हम इस घर की, और एक बहू का धर्म निभाने के बाद ही माँ का फर्ज पूरा करने का सोच सकते हैं, और ये घर की रीतियों रिवाजों में इजाजत नहीं दे कि हम भावना को नाच गाने में हिस्सा लेने दे। अरे नहीं दुल्हन, हम तुमका का बताएं, बचपन से ही ना हमने हमारी बिटिया की छोटी छोटी खुशियों का गला घोटा है, अंदर ही अंदर बहुत रोए हैं हम, पर ये दर्द ये घुटन इसे सब अंदर दबा के रखना होगा। हम अपनी तकलीफ कहूं को नहीं बता सकते, जानती हो बचपन से ही हमारी बिटिया को नाचने का बहुत शौक है, लेकिन पिताजी को डर से वो बेचारी ने अपने छोटे छोटे अरमानों का गला घोटा है, लेकिन आज जब बात सांस्कृतिक समारोह में हिस्सा लेने की आई तो वो बेचारी अपने आप को रोक ना पाई। हम माँ है उनका, पर हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। हम जानते हैं कि हमारी बिटिया की खुशियां किस में है, लेकिन हमें ये भी पता है कि पिताजी को का मंजूर है और का नहीं। भाभी आपकी बच्ची सांस्कृतिक समारोह में हिस्सा लेगी तो इस घर की बेइज्जती होगी। क्यों क्यों सोचती हैं आप ऐसा? भाभी भगवान शिव का एक रूप है नटराज, ये नृत्य के देवता माने जाते हैं, गोपियों ने कान्हा के लिए, अप्सराओं ने देवों के लिए, मीराबाई ने श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर नाचा है, तो अगर हमारी भावना नृत्य करेगी तो क्या बुराई है? इन पे भरोसा रखे, कुछ गलत नहीं होने देंगे। अगर आप अपनी बच्ची के दिल की खुशी चाहते हैं ना तो एक बार आप कह दीजिए बात, मैं आपको यकीन दिलाती हूं किसी को कुछ पता नहीं चलेगा।
बेचारी बच्ची का दिल भी नहीं टूटेगा। एक बार आके दीजिए ना। No.